देश भर में कोरोना के मामले घटने के साथ साथ रेलवे विभाग ने यात्रियों के लिए अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की सुविधा बहाल कर रहा है। अब जनरल कोचों में यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन नहीं कराना होगा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बाद यात्रियों के लिए जनरल कोच में भी रिजर्वेशन कराना अनिवार्य हो गया था, ताकि कोरोना की रफ्तार को नियंत्रित किया जा सके। और देश भर में चले वैक्सीनेशन अभियान के बाद रेलवे ने यात्रियों के लिए ये सुविधा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। आज से भोपाल और हबीबगंज से चलने वाली 10 ट्रेनों में पहले की तरह यात्रियों को सामान्य टिकट की सुविधा फिर से मिलने जा रही है। करीब 18 महीने से कोरोना की पहले और दूसरी लहर में यह सुविधा बंद कर दी गई थी, लेकिन रेलवे ने अब जो है यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए अन रिजर्व जो टिकट होते हैं वो फिर से देने का फैसला कर लिया है। आज से 10 ट्रेनों में शुरुआत हो जाएगी। यह जो सुविधा है हबीबगंज इंटरसिटी समेत अप डाउन करने वाली 10 ट्रेनों में जो सामान टिकट की मिलने की समस्या थी वो अब नहीं होगी। लोगों को जो है सामान टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। इससे रोजाना करीब 60,000 से अधिक लोगों को फायदा होगा। इन्हें जनरल कोच यानी कि सेकंड सीटिंग कही जाने वाले कोचेस में सफर करने के लिए रिजर्वेशन नहीं कराना पड़ेगा। एक टिकट खरीदने पर 15 रुपये की यात्री को बचत भी होगी। अभी जो टिकट की कीमत है इसमें रिजर्वेशन शुल्क जो है वो 15 रुपये एक्स्ट्रा लगता था। इन ट्रेनों के एसी और स्लीपर श्रेणी में सफर करने की पूर्व की जो है वो टिकट करानी होती थी, लेकिन जो एमएसटी की सुविधा है वो अभी मान्य नहीं की गई है। जनरल टिकट निर्धारित कोच के समान ही यात्रियों को यात्रा करनी होगी। समान टिकट की सुविधा करने से यात्रियों को काफी मशक्कत भी हुई थी और हजारों जो अप डाउनर्स है वो परेशान हुए थे। सबसे अहम बात यह है कि समान टिकट की जो बिक्री के लिए भोपाल स्टेशन पर एक एक जो काउंटर खोले जाएंगे, ये काउंटर 1 और 6 प्लेटफॉर्म नंबर की ओर खोले जाएंगे। पूर्व से ही दोनों तरफ से काउंटर खोले गए हैं जिनमें प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो अब मिलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से हबीबगंज में भी जरूरत पड़ने पर भी अतिरिक्त काउंटर खोले जाएंगे। ये काउंटर जो है वो 24 घंटे के लिए खुले रहेंगे। संभवतः जो है अब जो है यात्रियों को सबसे जो है वो सुविधा होने वाली है, लिहाजा अब जो खास तौर पर पहले जो लोग परेशान होते थे अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वो 3 घंटे यानी कि सफर से 3 घंटे पहले भी जो है वो जनरल टिकट खरीद सकेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ विवेक पांडे, NITV भोपाल।